हम प्रयागराज आए हुए हैं, इसमें हम का कान का पियर्सिंग आज हो गया है और वो आइसक्रीम उड़ाने में लगी हुई है। रामलीला देखने के लिए आए हुए हैं। पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी का ये आयोजन है और जो है बेस्ट पार्ट है इलाहाबाद का विच आई फील कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का साइंस कैंपस है, साइंस फैकल्टी है और यहाँ पे जो पूरा आर्किटेक्चर स्टाइल है कम्प्लीटली गोथिक स्ट्रक्चर है और ये बिल्कुल ही मेंटेन्ड है। और इसके साथ में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे अभी एक साइंस डिपार्टमेंट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फंक्शन करता है और सबसे बढ़िया रहा है यहाँ का हॉस्पिटैलिटी। यहाँ के जो सर्विस सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो लोग हैं एक्स सर्विस मैन और बिकॉज ऑफ बीइंग एक्स सर्विस मैन दे हैव द कर्टसी ऑफ इंडियन आर्मी इम्बाइब्ड इन देयर नेचर एंड दैट्स मोर देन वेलकमिंग फॉर मी एंड आई जस्ट एंजॉयड दिस प्लेस। दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई कुड डू हियर। देयर इज़ अ फाउंटेन। द अदर बिल्डिंग विच आई कैन शो यू इन अ फोटो इज द अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट बट इट्स ऑल्सो अ फैंटास्टिक बिल्डिंग but this is one of its type, I would say Stanford of India. One should must come and visit this.
आवा आवा यही आवा देखो गाड़ी लेके आ गई ले सच्ची पुच्ची करो नहीं काटेगा नहीं काटता नहीं पकड़ लो भैया पकड़ लो पकड़ो काटता नहीं नहीं काटता एक तो छोड़ दो एक तो ये बकरी है ये नहीं वो खसी है ये बकरी कुछ करोगे खाना खाता पत्ती दे दो खाने को उसको तो दे दो नहीं बकरी बकरी है यही तो मैं बोलती है मैं पापा फोटो मैं कर बैठ जाओ तो ऐसे बैठ जाओ तो फोटो हाँ चलो काकी के साथ बैठ जा तुम भी बैठ जा पीछे हमारे पैतृक गांव चित्री में आए हैं ये मेरे पिताजी का मतलब मेरे दादा जी का घर है बेसिकली प्रतापगढ़ जिला में हम भी हैं और ये पुश्तैनी कुआ है यही कुछ मेमोरीज रहती है ऐसे गांव होता है सब लोग दूसरे का कीमत करते हैं एक दूसरे से मिलते हैं कुछ न कुछ क्लोज इनवाइट रिश्तेदारी होती है ये नेता की तरह घूम रहे हैं मेरे पिताजी की नासी का घर है नासी का घर है यहाँ पे बड़ा पंखा होता है एक फर्राटा जिसको कहते हैं खाना नहीं मिलता दोनों हम गांव में घूम रहे हैं और ये चावल की खेती है धान उगाया गया और ये पूरा पानी से भरा हुआ है यहाँ में हो गई है पाँव अंदर रखो सीरियस बनो चला थी सिर्फ संडे को ड्यूरिंग द मास टाइम एक मेन एंट्री है अच्छे से हम देख रहे हैं आई डोंट नो कि कैमरा रिजॉल्व कर पा रहा है कि नहीं विद द अगेंस्ट द सन बट बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर अब हम इसको थोड़ा साइड से देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है इसके मैसिव गेट्स विच आर रियली मैसिव एंड आई थिंक दैट इट विल बी 5 ton और समथिंग लाइक दैट वुड बी द वेट ऑफ मोर देन दैट आई गेस would be the weight of these doors. जैसे हमारे महलों में जिस तरीके से बड़े डोर होते थे और ये इस चैनल पर चलता है जिसको ग्रीस किया है सो दैट इट विल बी एबल टू स्लाइड बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग चर्च का स्ट्रक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसके पानी के आउट ये देखिए जो एनिमल के फॉर्म में ये क्रोकोडाइल का मुँह बनाया है वहाँ ऊपर बनाया है उसमें से जो पानी ऊपर बारिश का स्टोर हो रहा है निकलने का सिस्टम है और जब हमें इसको मेंटेन करने के लिए दिया जाता है तो हम ऐसे गंदे वाइट प्लास्टिक के पाइप लगा देते हैं हम मतलब बनाना बहुत दूर की बात है पर हम मेंटेन करने में भी एनर्जी नहीं लगाना चाह रहे हैं
बहुत ही बड़ा चैलेंज है और इतनी शानदार जो हमारे पास रिच हेरिटेज है, हम इसको कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं। स्नेहम कैसे लगा आपको चर्च? अच्छा लग रहा है। क्या क्या खास बात लगी इसमें? वो ड्रैगन का मुंह से और लायन के मुंह से पानी निकलता है। ओके चलिए, इट्स रियली वर्थ सीइंग एंड इट कंप्लीट्स माय डेज टास्क ऑफ डूइंग समथिंग बीइंग इन अलाहाबाद। दिस हैज बीन अ वेरी long stay for me which I not planned, but it happened so that I'm staying here for very long, so in that process it is really a very enriching experience. यहाँ से आगे जाएंगे, मंदिर पहुँचेंगे और वहाँ पे मुंडन सेरेमनी होगा और ये एक्सटेंडेड फैमिली है विच इज बीन हियर टू जॉइन अस इन दिस। ये हम गंगा जी के तट पे आ गए हैं, बहुत ही शानदार हवा चल रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। किसी भी नॉर्थ इंडिया मंदिर में आएंगे तो जो पंडितों की लड़ाई झगड़ी होते हैं वो एकदम आपको खड़ा देता है, तो उसके बाद हमें ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग जगह मिल गई है विच इज रियल फन। वहाँ पर नहा के आ गए हैं, आयुष भी आ गया है। बोट बोट में जाओगे तुम मुन्नी? कल मुंडन करा के आए थे, बहुत अच्छा मौसम था, आज बारिश होती हुई आपको दिख रही है। हम सर्किट हाउस में अभी जस्ट नाउ वी हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड अभी सब लोग यहाँ पे बारिश का मज़ा ले रहे हैं। ये हमारा सोहम भी बारिश मजे मजे ले रहा है। ये सर्किट हाउस का लॉन कह लीजिए इसे, ये सामने सर्किट हाउस दिख रहा है जहाँ हम प्रयागराज में रुके हैं सभी के साथ, और ये उसका लॉन है। बहुत अच्छा बड़ा और मेंटेन्ड लॉन और सर्किट हाउस है। कैंटीन में भी हमने यहाँ की काफ़ी फैसिलिटी अवेल करी, खाना खाया, उसके फ़ोटोज़ और पिक्चर्स भी हैं। आज बारिश होने के कारण यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो गया है।
आज आप बादल देख सकते हैं कितने अच्छे हैं। यही हम कल परसों घूम रहे थे तो बहुत ही सनी था। आज हम संगम जाएंगे फॉलोड बाय नाग मंदिर और एक दो टेंपल्स और हैं, तो लेट्स सी कैसा चलता है। ये हमारी रीनू मोबाइल चलाती हैं। हम पहुंच गए हैं संगम पे, जहाँ पे तीन नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती बोलते हैं गुप्त रूप में। ये किला है जो अलाहाबाद का फोर्ट है, और ये है नाव। अभी हम एक बोट राइड करेंगे जो हमें एक्चुअल जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं उस जगह पे लेके जाएंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है, विच इज़ रियल फन थिंग। बंदूक ले खल रहते किला बनाया है तो सैनिक तो खड़े। There's a platform made, temporary platform made, and where they will do the basic Ganga Snan, where you should do three times to immerse in water. That is what is the ritual, and it is found, it is believed that it is very, very holy to take this Ganga dip. And we are at the Sangam. There are two colors of water visible, and that's the point where the junction where these two rivers join each other. So because of the fantastic weather, it has been really a nice experience.